यमुनानगर में मां की ममता शर्मसार हुई है। कलयुगी मां ने एक मां के नवजात को कैल हाईवे के पास लावारिस हालत में छोड़ा। वहीं किसी राहगीर ने नवजात के रोने की आवाज सुनी और इसकी सूचना सदर जगाधरी पुलिस को दी। सदर जगाधरी पुलिस ने नवजात को सिविल अस्पताल के निकू वार्ड में भर्ती करवाया। वहीं चाइल्डलाइन की टीम मौके पर पहुंची और इलाज कराने वाले डॉक्टर से बातचीत कर पूरी स्थिति को समझाया। फिलहाल बच्चे की हालत नाजुक है, लेकिन बच्चे की पहले सर्जरी हुई है और सर्जरी की जरूरत भी है, जिसके चलते नवजात को पीजीआई रेफर किया जाएगा। वहीं इस मामले में सदर जगाधरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चाइल्डलाइन की डायरेक्टर अंजू वाजपेयी ने बताया कि कैल गांव के पास लगभग एक माह का नवजात मिला है। आसपास के लोगों से पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस पहुंची और नवजात को कब्जे में लिया। वहीं सदर जगाधरी एसएचओ कुसुम बाला ने इसकी सूचना चाइल्डलाइन टीम को दी, जिसके बाद नवजात को सिविल अस्पताल के निकू वार्ड में भर्ती करवाया गया। चाइल्डलाइन की डायरेक्टर अंजू वाजपेयी ने बताया कि बच्चे की हालत गंभीर है, जिसके चलते नवजात बच्चे को चंडीगढ़ रेफर किया जाएगा, जहां इस बच्चे की सर्जरी की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि मां बाप के हालत ठीक नहीं होंगे या इसके पीछे क्या कारण होगा जिस वजह से नवजात को लावारिस हालत में छोड़ा गया, ये तो जांच में सामने आएगा। वहीं जगाधरी पुलिस ने द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मां बाप की तलाश भी की जाएगी। वहीं सरकार द्वारा अस्पतालों में शिशु पालन भी लगाया गया है, जिसमें बच्चों को छोड़ा जा सकता है, लेकिन लोग इतनी जागरूकता के बाद भी पता नहीं क्यों अपने जिगर के टुकड़े को मरने के लिए सड़क किनारे छोड़ देते हैं। बच्चा बहुत छोटा, एक महीने का है, उसकी सर्जरी हुई हुई है, जब उसका स्टूल पैसेज प्रॉपर नहीं है और उसके लिए सर्जरी की हुई है, प्री अटेंडेंस टाइम बताई हुई है। मुझे तो कल शाम को करीब 8 बजे के करीब सदर SHO कुसुम जी का फ़ोन आया कि इसी तरह से एक लावारिस बच्चा मिला है, आप मैडम जल्दी आ जाइए, मैं जगाधरी से निकू सेंटर में लेके आ रही हूँ। जगाधरी निकू सेंटर में जब हमने डॉक्टर से बात किया, उन्होंने कहा कि शायद यहाँ हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका पूरा वुंड ओपन है, इंटेस्टाइन बाहर है। तो फिर उसको रात में ही हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया यमुनानगर निकू सेंटर में। अभी भी डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया कि उसका इन्फेक्शन नहीं हो या जो भी करना है, बट मुझे लगता है कि CWC के ऑर्डर के बाद इसको बच्चे को शिफ्ट करना पड़ेगा चंडीगढ़ में या किसी प्रॉपर उसके लिए, क्योंकि यहाँ पीडियाट्रिक सर्जन अवेलेबल नहीं होगा या उसकी पूरी टीम चाहिए जो भी इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि शायद पेरेंट्स ने वो नहीं अफोर्ड कर सकते होंगे या ऐसे कोई स्थिति होगी कि उनका लगा होगा कि मल्टीपल सर्जरी करानी पड़ेंगी, किस लिए उन्होंने किस मजबूरी में छोड़ा है नहीं कह सकते हम। ये तो बच्चे का ट्रीटमेंट ही हमारे लिए पैरामाउंट है कि उसका ठीक से ट्रीटमेंट हो, एंड इस बीच हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि बच्चा किसका है, क्योंकि जितने लोकल सर्जन या जो गायनकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं हमने सबको मैसेज कर दिया है कि अगर किसी के यहाँ एक महीना पहले इस तरह की कोई डिलीवरी हुई है या इसका इस तरह का कोई बच्चा डिलीवर हुआ है, इस तरह की कोई सर्जरी हुई है, तो बताएं हमें, नहीं तो फिर अभी तो बच्चा ट्रीटमेंट के लिए जाएगा। मैम मिल जाएगा, मिल जाएगा। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।